हेलो एवरीवन देखिए स्टूडेंट्स ये आपका कॉन्टेंशन वीडियो लेक्चर आपका दैट इज़ ऑन वैल्यूशन ऑफ गुडविल फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज़ ऑल अबाउट गुडविल उसके हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे वैल्यूशन के हमने फर्स्ट मेथड डिक्लेयर जो है डिस्कस किया था दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मैथड एंड एवरेज प्रॉफिट मैथड में हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन द केस ऑफ सिंपल एवरेज मैथड एंड दैट इज ऑन देश वेटेड एवरेज आज हम एक सेकेंड जो है नया एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हम इसके देखिए थेटिकली एक बार पढ़ लेते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम इसके जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले देखिए सुपर प्रॉफिट मैथड बेसिकली होता क्या है जैसे मान लीजिए हमने जो है लास्ट है, जो जैसे हमने एक लास्ट जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोफिट मैथड एवरेज प्रोफिट में पड़ता था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कंपनी जो है मान लीजिए पाँच साल से सा अपना बिजनेस रन कर रही है तो जी पाँच साल का जो भी बिजनेस है उसको हम एवरेज लेके चलते थे हैं और जो बिज़नेस जो है मान लीजिए वो तीन साल के लिए आगे वो प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा उससे मेनटेन लेकर के हम गुडविल निकाल लेते थे यही करते थे लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बेसिकली जैसे मान लीजिए अगर आप हो यह मान लीजिए आप हो आपको एक बिजनेस जो है वो सेटअप करना है मान लीजिए आप अपने बिजनेस में मान लीजिए दस लाख की अगर आप कैपिटल लगाते हो तो दैट मीनस ये ब्लू पोर्शन ये जो आप ब्लू पोर्शन देख रहे हो ये, ये वो प्रॉफिट है अगर आप आज बिजनेस खड़ा करते हो तो अगले चार साल तक जो है आपको इस रेट से आपको जो है प्रॉफिट अर्न होगा राइट अब आपने सोचा कि भाई मैं दस लाख रुपए की कैपिटल लगा रहा हूँ और मुझे दस परसेंट रिटर्न मिल रहा है राइट तो बोल रहे हैं मैं क्यों ना मैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदूँ जिससे जो है मेरा ये रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ जाए राइट तो आपने देखा मार्केट में पता लगाया कि अगर आप वही सेम बिजनेस का उसके किसी और का बिजनेस अगर आप टेक ओवर करते हो या खरीदते हो तो आपको जो है कितना आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा राइट मान लीजिए अगर आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो तो उसमें आपको जो है तीन परसेंट एक्स्ट्रा जो है रिटर्न मिलेगा आपको हर साल तो ये जो आप देख रहे हो नए शेड्यूट एरिया में थ्री परसेंट राइट ये आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है कब जब अगर आप किसी का बिजनेस जो है टेक ओवर करते हो या बिजनेस को जो है खरीद लेते हो राइट तो इसका मतलब क्या जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिल रहा है ना आपको क्यों मिल रहा है क्योंकि आपने उसका बिजनेस खरीद लिया तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन दैट मीनस ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आपको कब मिलता अगर आप खुद अपना बिजनेस सेटअप करते राइट right? और उस अपनी खुद ही कैपिटल लगाते खुद अपना स्टॉक भरते खुद अपना जो है बिज़नेस में जो है ट्रेड ट्रेड करते हैं सेल करते हैं परचेस करते और उसमें आपको जो हर साल जो है टेन परसेंट का आपको जो इंटरेस्ट मिलता है या कह सकते हो कि आप उसमें जो है रिटर्न कमाते हैं लेकिन अगर आप किसी और का बिजनेस एक्वाई करते हो, चलता हुआ हो बिजनेस अगर आपने किसी का टेकआउट कर लिया तो आपको उसमें जो है तीन परसेंट की एक्स्ट्रा जो है अर्निंग होगी तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई उसी को हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर कितना हो गया दैट मीन तेरह परसेंट रिटर्न आपको मिल गया बिजनेस राइट यानी कि अगर आप दस लाख रुपए अगर आप अपने बिजनेस में लगाते हो तो आपको दस परसेंट मिलता है क्यों क्योंकि आपके मार्केट में इतनी गुडविल नहीं है

एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जो आप खुद कैपिटल लगा के कमाते हो और सुपर प्रॉफिट का बात कमा जब आप आप ओवर एंड दी जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट रहे हो क्यों क्योंकि उसमें आपकी कम आपकी खुद की हार्डवर्क तो है नहीं आपने दूसरों का बिजनेस रिकवर किया तो दूसरे का गुडविल आप यूज कर रहे हो इसलिए आपको जो है उसमें एक्स्ट्रा अर्निंग मिल रही है राइट तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट अब देखिए यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मुला क्या मान लिया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सुपर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये कौन सा है ये एवरेज प्रॉफिट ही है ये ये क्या है ये ही है एवरेज प्रॉफिट तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर आप इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो ये नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है जो आपने खुद का पैसा लगाया ये फ्यूचर मेंटेनबल प्रॉफिट कौन सा है अगर आप दूसरे का बिजनेस टेक ओवर करते हो उससे जो पैसा जो आपने प्रॉफिट अंग किया वो माइनस कर दो आपके हाथ में क्या जाएगा प्रॉफिट और इस सुपर प्रॉफिट को आप कितने साल तक आगे मेंटेन करते हो उससे मतलब कर देंगे आपके हाथ में क्या जाएगा गुड सिंपल है राइट right? इसका देखिए हम एक तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं देखिए पर प्रॉफिट फॉर दी पास्ट इन आपको गिवन है ये प्रॉफिट आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है याद रखना स्टूडेंट्स ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली किस पे बेस्ड है आपका ये इंडस्ट्री पे बेस्ड होता है दैट मीन्स ओवरऑल जैसे देखिए इंडस्ट्री देखिए बहुत सारी होती है जैसे हो गया आपका फार्मा हो गया ठीक है आपका हो गया सपोज क्लोदिंग का हो गया राइट या फिर आपका हो गया सर्विस सेक्टर में हो गया रेस्टोरेंट सर्विस होगी ठीक है यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आज के टाइम पे आप उनका जो है नॉर्मल ले रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है ये वो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट मीन्स जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ठीक है तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सबसे पहले क्या उसका सेक्टर देते हो तो सेक्टर देखने के बाद देखते हो कि क्यों मान लीजिए ए सेक्टर में आपको अभी मार्केट में मान लीजिए ग्यारह परसेंट रिटर्न मिल रहा है ऑन एवरेज इसमें मान लीजिए तेरह परसेंट रिटर्न मिल रहा है ठीक है इसमें मान लीजिए नौ परसेंट रेटर मिल रहा है तो पहले तो आप सेक्टर को सिलेक्ट कर दो ना मान लीजिए आपने जो है क्लोदिंग के सेक्टर कर लिया उसके बाद देखते हो क्लोदिंग में कौन सी कंपनी देखें जो पीयर में बहुत सारी जो है उसमें सबसे जो बेस्ट होता है आप उसको ऑप्ट करते हो और फिर आप जो है शेयर परचेज करते हो

आगे की बनना है प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स ऑन एन एवरेज बेसिस हंड्रेड सुपर प्रॉफिट मेंटेन करेंगे अगले पाँच साल तक राइट यहाँ पर देखिए सुपर देखिए फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट गेमन आपको देखिए इस साल का कहेंगे हम एवरेज ले लेंगे तो ये आपके पास आ गया फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई आपने खुद की कैपिटल कितने का है एक लाख चालीस हजार की और एज पर इंडस्ट्री बेस आपको रिटर्न कितना मिलेगा दस परसेंट

नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेंटेन उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ध्यान देखिए तो देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें बेसिकली इसको ब्रीफली डिस्कस करना है कि फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे यानी कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर राइट पहले यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था अभी अगर आप खुद बिजनेस सेटअप करते हो यानी कि जितने आपने कैपिटल लगाई और उस कैपिटल पे आप जो रिटर्न कमा रहे हो दैट इज़ कोर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही होता है या नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है दैट मीन्स एवरेज कैपिटल जो आपने कैपिटल लगाई और उस पर आप जो भी रिटर्न कमा रहे हो दैट इज कॉल नॉर्मल प्रॉफिट भाई जैसे आपने अभी देखा था भाई आपने कब कैपिटल में कितना है एक लाख चालीस हजार आप उसके बजाय दस परसेंट जो है रिटर्न कमा रहे हो तो आपको नॉर्मल नॉर्मल प्रोफिट कितना हो गया फोर्टीन थाउजेंड का हो गया वही तो पढ़ा था ये मैं उसी की एक्सप्रेशन दे रहा हूँ बेसिकली सोच देता हूँ किसकी ये? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय की पहले कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकाले और होता क्या है ये राइट देखिए एवरेज कैपिटल इम्प्लॉय को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको बेसिकली दो मेथड से फॉलो करते हैं फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एसेट साइड मेथड एंड लायबिलिटी साइड मेथड ठीक है पहले देखते हैं एसेट साइड से मेथड में, में क्या क्या ऐड करेंगे एसेट साइड में देखिए आपको क्या करना है फिक्स एसर लेने एट मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट गुडविल

कि हाउ टू डिटरमाइन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो आ, आ, कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहले एसेट्स की हेल्प मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट गुडविल राइट तो हमने वो निकाला उसके बाद हमने लेस करेंगे ऑल लाइबिटीज uh, को एक्सेप्ट आपको क्या मैंने इसमें से क्या कंसिडर करना आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कंसिडर नहीं करना आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व जो है री नहीं करना आपको किसी तरह का रिजर्व एंड सप्लाई जो हो ये सब आपको कंसिडर नहीं करने बाकी सब आपको कंसिडर करना है लॉन्ग टर्म लाइब्रेटीज करंट लाइब्रेटीज को मैनेज करोगे आपके हाथ में अब क्या बचेगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय राइट अब यहाँ तक तो देते हैं इसके बाद अब आते हैं लाइबेरी साइड पर अभी आके समझाऊंगा जाऊंगा मैं क्योंकि अब लाइब्रेड साइड पर आइए

अदरवाइज माने लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो वो उसी कंसिडर नहीं कर सकते फिर फिक्टिशियस एसेट्स है तो भी कंसीडर नहीं करना राइट right? अब ध्यान से देखिए क्लास हमें निकालना क्या है बेसिकली एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेकिन हमने निकाला क्या है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए देखिए <clears throat> आपने आ, बैलेंस शीट आपने देखी होगी जब आप देखिए इलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में जब आप लिखते तो लिख थे क्या लिखते थे यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखते थे कैपिटल उसमें आप क्या करते थे प्रॉफिट ऐड करते थे और फिर आपके हाथ में क्या था क्लोजिंग कैपिटल देखिए यहाँ रखना ये एक एजोमिशन बेस्ड है कि आपके ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट इंक्लूड है ये सिर्फ एजोमिशन बेस्ड है देखिए मानता हूँ मैं थोड़ा गैप है देखो ओब्वियसली सीधी सी बात है क्लोजिंग कैपिटल में तो बहुत कुछ इंक्लूड होता है लॉस भी होता है एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है वो भी होता है ठीक है बहुत सारे इंक्लूड होते हैं प्रोविजन भी होता है इसमें आपका लेकिन ये सिर्फ एजमशन बेस्ड है हम सब भी ये मांग के चल रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपके पास अभी सिर्फ तो क्लोजिंग कैपिटल है दैट क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट ही इंक्लूड है आपका और कुछ नहीं तो ये सिर्फ एजम्पन बेस्ड में कुछ नहीं है तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल देखिए कैसा हो जाएगा आपका

ओपनिंग कैपिटल पर क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाई टू ठीक है अब देखिए यहां से आपने जो है ओपनिंग कैपिटल निकाली जिसकी वैल्यू क्या है वो ये आई है आपने ये पूरी वैल्यू जो आपने यहां लिख दी है देखिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट ऑन डूरिंग ईयर और ये तो क्लोजिंग कैपिटल रखा ही हुआ है टू तो आपके हाथ में जो है एवरेज कैपिटल क्या है क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट ये आपका बन गया ये आपके हाथ में क्या है ये आपके हाथ में आया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बस अब क्या करना है आपको दैट मीन्स अगर आप एवरेज कैपिटल निकालना है तो क्या करना है क्लोजिंग कैपिटल में आपको क्या करना है हाफ ऑफ प्रॉफिट लेस करेंगे आपके हाथ में क्या जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से मैं देखिए मैंने क्या कौर किया क्लोजिंग कैपिटल में से हाफ ऑफ प्रॉफिट आपने लेस करा आपके हाथ में क्या आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड राइट अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ना एक्चुअली ये गुडविल के चैप्टर में थोड़ा सा गैप है ऐसे इस पर रिसर्च कम हुई है इसलिए यहाँ पर थोड़ा गैप है देखिए हमने अभी जो निकाल देखा हमने देखा कि हाउ टू तो डिटरमाइन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है आपने पाँच पा, साल का जो है कैपिटल ले लो उसका एवरेज निकालो आपका एवरेज कैपिटल मिल जाएगा हो जाएगा लेकिन सर अभी आपने तो कुछ और समझाया आपने एवरेज कैपिटल निकाला इसके बेस पे और अभी आप इस मेथड से बता रहे हो डियर हम इसलिए ये फॉलो करते हैं हम यही फॉलो करते हैं फॉलो तो हम ये करते हैं जो मैंने लिखा है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड फॉलो हम ये करते हैं लेकिन देखा जाए तो करेक्ट मेथड आपका ये होना चाहिए क्योंकि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये तो आपका जो है करंट ईयर के बेस पे हुआ हम उसी साल का जो ओपनिंग ले रहे हैं उसी साल का क्लोजिंग ले रहे हैं और डिवाइड बाई टू कर दिया तो आपके हाथ में आ गया करंट कैपिटल इंप्लाइड और जबकि एवरेज 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 का कुछ पिछले साल का भी सारा जो है कैपिटल को ऐड करो और उसको नंबर ऑफ से डिवाइड करो आपके पास एवरेज आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक लूप होल है कैसे तो कुछ गैप है यहाँ पर जो है इनके गुडविल की में देखिए प्रॉब्लम होती है यही एक ऐसा चैप्टर है जहां पर जो है थोड़ा गैप आ जाता है नॉलेज में राइट तो हम जो है यही मेथड फॉलो करेंगे एवरेज कैपिटल इंप्लॉयमेंट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड राइट एंड उसी के बेस पे हम जो एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या बताया था भी। जितनी आप कैपिटल निकाली और उसमें आपको जितना आपको प्रॉफिट अन हुआ बट मान लीजिए अगर आपको जो है क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको इस मेथड से निकालनी है कैसे निकालनी है भाई मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको डिवाइड करो जितना कंपनी आ वो ये गया ठीक है हालांकि देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप फाइनेंस की नजर से देखोगे सो दिस इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमें यही मेथड फॉलो करना होता है फ्रॉम the following यू आर are टू कैलकुलेट calculate goodwill एट फोर ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना हमें आपको ये बैलेंस शीट गिवेन है शेयर कैपिटल रिजर्न प्लस अच्छा अगर आप देखोगे ध्यान से अगर आप ध्यान से इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको आफ्टर टैक्स गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी गिवेन है दैट इज पच्चीस हजार बढ़ गई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवेन है ये क्या गिवन है आपको एन आर आर राइट तो ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना होगा एवरेज कैपिटल निकालना होगा अब एवरेज कैपिटल इमेंट या तो आप लाइब्रीटी साइड निकालोग या तो फिर एसेट साइड अगर आप एसेट साइड लेके चलोगे तो देखो आप क्या क्या कंसिडर करोगे आप ये करोगे ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे क्यों क्योंकि लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये नॉन ट्रेड एक्टिविटी है तो इसमें से जो रिटर्न मिला उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते राइट इसके बाद हमें ये कंसिडर नहीं करना ये भी नहीं करना ये करेंगे हम ये भी करेंगे और ये इसको हम क्या करेंगे कंसिडर नहीं करेंगे राइट right? चलिए अब हम जो है इसके पे सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से देखिए देखिए सोपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एफ एम पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एफ एम पी मीन्स फेयर सॉरी फ्यूचर में प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है तो आप देख सकते हैं तो अभी तक तो आप सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है राइट right? अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हैं हम एवरेज कैपिटल इम्प्ल्ट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ़ रिटर्न ये आपको टेन परसेंट गिवन है लेकिन एवरेज कैपिटल इम्पुट हमें निकालना होगा एवरेज कैपिटल इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल इम्प्ल्ट माइनस ऑफ प्रॉफिट राइट तो अब इसका मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए अगर आप ऐसा साइड से निकालेंगे तो कि वैल्यू कितनी आएगी आपकी आप क्या लोगे ये नाइन ना, लाख ना लोगे ना नाइन लाख में अगर आप क्या करोगे पचास पच्चीस हज़ार ऐड करोगे कैपिटल इनमिट निकालने के लिए तो ये आपने क्लोजिंग कैपिटल इनमिट निकाल लिया क्लोजिंग कैपिटल इमट निकाल लिया राइट उसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद हाफ ऑफ प्रॉफिट करोगे हाफ ऑफ प्रॉफिट क्या होगा डेढ़ लाख सर डेढ़ लाख कैसा आया एक पचपन आपको गिवन था देखिए जा सके एक पचपन गिवन था आपको और उसमें से आपकी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ रही है देखिए एक लाख का पाँच पाँच परसेंट कितना होगा फाइव थाउजेंड हो गया वो जो कि क्या आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे तो हाफ ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ दिस वन तो आपके पास एवरेज कैपिटल इन्पिट कितना आएगी एट लैक सेवनटी फाइव right? थाउजेंड राइट अब एट लैख सेवेंटी थाउजेंड कम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे टेन परसेंट कितना का एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड सुपर प्रॉफिट क्या हो, क्या होता आपका हो आपके पास सुपर प्रॉफिट क्या होगा आपका देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका इतना आ गया ठीक है फेयर मार्केट सॉरी फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट देखिए यहाँ पर सॉरी एक्चुअली देर वॉज सम मिस्टेक फॉर माई साइड सोल्यूशन आप ये देखिए देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मला कहता है फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट राइट अब देखिए फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट आपको जो गिवन था कितना गिवन था डेढ़ लाख का आपको गिवन है ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड बट इसमें से देखिए फाइव थाउजेंड का नॉन टेड जो है इन, इन, इनकम भी है वो हम लेस करेंगे तो आप जो है लेके क्या चलोगे डेढ़ लाख रुपए का फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट राइट अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है देखिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट किस पे बेस होता है कैपिटल एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन आपको टेन परसेंट बट आपको क्या निकालना होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखिए कैसे निकालेंगे एसेट साइड लेके चल रहे हैं यहाँ पर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंकलू उसमें से जो इंक्रीमेंट हुआ था वो हमें ऐड कर दिया करंट एसेट थी आपकी पाँच लाख रुपये की थी से देखिए हमें ये ले लिया उसके बाद पाँच ये ले लिया क्योंकि ये तो हमें कंज्यू करना नहीं ये भी रहा क्योंकि नॉन नॉन्टेड है ठीक है तो आपके पास एसेट होगी फोर्टीन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लाइब्रेरी साइड में ये आप लेस करोगे ये आप लेस करोगे राइट ये लेस कर दिया ये लेस कर दिया ये लेस कर दिया तो आपके पास क्लोजिंग केवल कितनी आ गई टेन लाख रुपीज़ की आ गई राइट याद रखना क्लास मैंने आपको बताया था अच्छा सॉरी सो सोरिया मैंने गलती से कर दिया देखिए क्लास ध्यान रखना प्रोविज़न अगर डिविडेंड का है अगर डिविडेंड वाला है क्योंकि डिविडेंड जो है वाला है जो प्रोविजन पर जो डिविडेंड होता है वो जो है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर का वो क्या होता है पार्ट होता है ठीक है तो अगर हम इक्विटी प्रेफरेंस को जो है इग्नोर कर रहे हैं तो प्रोविज़न फॉर डिविडेंड को भी इग्नोर करेंगे बाकी सारे प्रोविजन को हम काउंट करेंगे तो बस वो हमने माइनस कर दिया आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ कितने दिस वन अब क्या निकालना है क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हाफ ऑफ द प्रॉफिट अन डूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाए डेढ़ एक पचपन का इसमें पाँच हजार हमने ऐड करा देखिए अब ध्यान से देखिए क्लास यहाँ पर इस पॉइंट पे कुछ बुक ने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कंपनी कम, ने जो है एक लाख पचपन हजार का प्रॉफिट अंग जिसमें से फाइव थाउजेंड जो है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ध्यान सुनिए जिसमें से फाइव थाउजेंड जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो अगर आप मान लीजिए इसको माइनस करते हो तो आप क्या लेके चलोगे डेढ़ लाख रुपए का और डेढ़ लाख का पच्चीस का फिफ्टी का परसेंट यहाँ पर कितना चाहिए सेवनटी फाइव थाउजेंड चाहिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सेवेंटी फाइव थाउजेंड के अकॉर्डिंग किया हुआ है जो कि ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है क्यों है ध्यान से देखिए अगर आप मान लीजिए ये आप फॉलो करते हो अगर आपने बैलेंस शीट अगर आप ध्यान से देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हो देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जब आप आते हो तो यहाँ पर देखिए एक लाख रुपए जो आया था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जब आप अब आप आपको जब रिटर्न मिलेगा तो वो आपने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो रिटर्न आएगा 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 वो किस कैश में में कैश कैश के फॉर्म में आएगा तो वो ऑलरेडी आपके करंट एसेट में इंक्लूड होगा ऑलरेडी आपके करंट एसेट में इंक्लूड होगा आपने करंट एसेट लिया है लाख रुपए की तो आपको ये रिज्यूम करना होगा कि वो ऑलरेडी पांच लाख में जो है ऑलरेडी आपकी जो है वो इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंक्लूड है तो अगर ये इंक्लूड है तो सीधी सी बात है, है आपकी जो बैलेंस बैलेंस शीट में, इसका मतलब क्या हुआ फाइव थाउजेंड यहाँ पर करना 50 आपको फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट आपको शो करना होगा देखिए यहाँ पे शो कर दिया

क्योंकि वो आपका करंट एसेट में वो ऑलरेडी फाइव थाउजेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है कैश के फॉर्म में अगर आप यहां पर इंक्लूड कर रहे हो तो आपको यहां पर भी इंक्लूड करना होगा राइट right? तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं पहले बोल रहा हूँ सही मेथड आपका यही है कि आपको यहाँ पर जो है ये एट्टी थाउजेंड से करना पड़ेगा ना कि सेवेंटी फाइव थाउजेंड के राइट right? बस बाकी सब आपका सेम है एट्टी थाउजेंड आपका आ गया और आपके हाथ में क्या आ गया, गया ये एवरेज कैपिटल इंप्लाइड अब हम इसका टेन परसेंट लेके चलेंगे टेन परसेंट ऑफ नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया नाइन्टी टू थाउजेंड राइट तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम एफ एम पी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना आ फिफ्टी थाउजेंड और गुडविल कैसे निकालेंगे मल्टीप्लाई वेफ्रो करके तो आपके पास गुडविल कितना आ गया टू लैख थर्टी टू थाउजेंड राइट इस क्वेश्चन बसिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर बसिक्स अच्छा क्वेश्चन है क्लास यहां से देखिए सॉरी फाइव फ्राम द फॉलो इनफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर फर्फिड आपको ऑब्वियसली कैपिटल इम्प्रिड निकालनी होगी इसमें तो कैपिटल इम्ब्रिड का देखो क्या क्या इंक्लूड करोगे आप ये डिवेंचर इंक्लूड करोगे ये करोगे ये भी इंक्लूड करोगे देन ये भी इंक्लूड करोगे ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे ये, नहीं करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, करेंगे ये भी करेंगे एंड फिक्टीशिया अर्सा इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगले खबर है द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस रुपए मोर वो आगे और बढ़ेगी वैल्यू पंद्रह हज़ार से एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्सेस दैट इज सिक्सटी एट थाउजेंड टैक्स जो ऑलरेडी जो है प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न एन आर आर गिवन आपको टेन परसेंट रेट इक्विपमेंट आपको टेन परसेंट गिवेन है डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ प्लान इज टू बी कंसिडर फॉर दैल्यूशन ऑफ गुड विन देखिए स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो देखिए आप सोल्यूशन ध्यान से देखिए देखिए आपका जो है फॉर्मूला देखिए क्या होता है सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट राइट अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में आपको एनआरआर uh, का रेट गिवन है दस परसेंट बट नॉर्मल आपको जो है ये कैप एवरेज कैपिटल इनपुट गिवन नहीं है तो वो तो आपको निकालनी ही पड़ेगी दूसरा अगर आप देखोगे आपको और क्या चाहिए फेयर मार्केट सॉरी फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको होना चाहिए तो वो भी आपको गिवन नहीं है तो पहले हम निकालते हैं दैट इज फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले हम तो यहाँ लिखते हैं देखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है दैट इज सिक्सटी एट थाउजेंड आपको गिवन है सिक्सटी एट थाउजेंड आपको गिवन है उसमें से देखिए आप लेस चेक करोगे जितने भी आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इनकम है या कोई कोई आ, कोई ऐसे एडजस्टेड अगर एक्सपेंसेस हैं तो हम उसको हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक तो गिवन है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ गिवन है आपको हाँ देखिए सिक्स परसेंट गवर्नमेंट लोन गिवन है इतने वैल्यू पे तो छः परसेंट जब आप निकालोगे फोर्टी फाइव थाउजेंड का आपकी वैल्यू कितनी आएगी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का गिवन आ जाएगी राइट देन आपके पास रेट ऑफ डिप्रेशन वो भी गिवन आपको दस परसेंट और आपकी वेलेज पंद्रह हज़ार से बढ़ गई थी तो पंद्रह हज़ार का दस परसेंट देता होगा पंद्रह सौ तो वो भी हम कंसिडर करेंगे फॉर दी पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको इसमें सबसे पहले आप गिव ऐसा करोगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन कैसा है था वो सिक्स परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड दैट इज़ टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो आप लेस करोगे राइट अरे जो एक जो एडिशनल डेप्रिएशन था वो कंसिडर नहीं हुआ था तो वो भी हम लेस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन फिफ्टीन हंड्रेड का राइट दैट्स एट अब उसके बाद आपके पास हाथ हाथ में क्या आ जाएगा फ्यूचर मेंटेन प्रोफिट दैट इज़ सिक्सटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये आपके हाथ में आ गया अब हमें है नॉवन प्रॉफिट और नॉवन प्रॉफिट हमें क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज कैपिटल अभी हमें निकालना होगा तो देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या तो हम देखिए ऐसा साइड से निकालेंगे या तो फिर हम उसको हम साइड निकालेंगे तो देखिए ऐसा साइड के लिए हमें क्या करना होगा हमें जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट साढ़े तीन लाख लेंगे और साढ़े तीन लाख में हम जो है वो उसकी जो वैल्यू जो बढ़ी थी वो भी हम ऐड ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल रहे हैं तो हम एवरेज कैपिटल कैप्ट तो यहाँ लिखेंगे हम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लांट प्लांट की देखिए वैल्यू कितनी थी साढ़े तीन लाख थी और उसमें जो है पंद्रह हज़ार और बढ़ गई थी तो आपके पास टोटल प्लांट की वैल्यू कितनी आ गई थ्री लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड आपके पास आ गई इसमें अब देखते हैं ऐड और क्या क्या करेंगे ये हो गया आपके पास इसके बाद इंटेंसिव गुडविल हमें ऐड नहीं करना नॉन हमें इसमें नहीं करनी हमें इन्वेंटरीज ऐड करेंगे हम डेढ़ लाख की और ट्रेड रिसीवेबल हम पचास हज़ार की राइट तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं सीधा लेता हूँ करेंट एसेट्स टू लैख टोटल आपके पास कितना का फाइव लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड इसमें ब्लेस करोगे लाइब्रेरी साइड में लाइब्रेरी साइड में देखिए यहाँ पर क्या क्या आप मैनेज करोगे आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐड करना मैनेज करना है नाइन्टी थाउजेंड का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज़ नाइन्टी थाउजेंड और क्या मैनेज करेंगे इसमें हम ट्रेड पेबल सिक्सटी थाउजेंड प्रोविजन फॉर टैक्स ट्वेंटी थाउजेंड तो मैं सीधा करंट लाइबिटीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ करंट लाइबिटीज़ एटी थाउजेंड राइट टोटल इसका दिया आपके पास थ्री लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड या आपके पास हाथ में क्या है दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपके हाथ में आ गई इसमें अब आपको लेस क्या करना है आपको लेस करना है हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑंड हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑंड ये आपको लेस करना है कैसे निकालोगे इसमें आप टेक फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऊपर आपने कितना था सिक्सटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड लेकिन इसमें आप क्या ऐड बैक करोगे जो आपने जो यहाँ पर सत्ताईस सौ रुपये हमने माइनस करके थे वो ऐड करोगे लॉजिक मैंने आपको लास्ट क्लास लास्ट जो एग्ज़ाम था उसमें बताया था वही सेम लॉजिक के साथ हम क्या करेंगे राइट तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या लेंगे आपके आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी लेस करोगे आपके पास आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी थ्री लैख सिक्स आपकी वैली आएगी दट इज थ्री लैख सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी आपके बस एवरेज कैपिटल इनपुट आ गई राइट बस अब आप बाकी जो है इसके आप देखिए क्या के क्या चाहिए वो हमें क्या क्या निकालना है हमें मेरे लिए गुडविल के लिए पहले हम निकालते देखिए सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट देखिए एफ एम पी कितना है सिक्सटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ये तो ये लेके चलोगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना कैपिटल इम्पिटेड का कैपिटल इम्पिट कितनी आए थी वही आपकी थ्री लैख सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टेक टेन परसेंट तो वैल्यू कितनी आएगी थर्टी uh, सिक्स थाउजेंड वन फाइव राइट तो वो यहाँ माइनस कर देंगे थर्टी सिक्स थाउजेंड वन फाइव के पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव अब क्या निकालना है आपको मिलनी गुडविल तो गुडविल आपका कैसे निकालना है थ्री इयर्स बेसिस पे है सो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव राइट तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है वन लैख 38,125 एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सिंपल चलिए आप क्वेश्चन नंबर हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन आपको नाइन परसेंट गिवन आपको रिजर्व सप्लाइज नॉन करंट डाइबिटीज करंट डायबिटीज गुडविल आपको गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेन परसेंट जिसकी फेस वैल्यू आपको एट्टी थाउजेंड गिवेन है करंट एसेट गिवन आपको एडिशन प्रेफरेंट देखिए क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है <coughs> आपको जो है टू uh, थाउजेंड का आपको लॉस गिवन है 5, 50, और आपको प्रॉफिट गिवन है फॉर द नेक्स्ट फोर इयर्स अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया क्लास एक्चुअली ये वाला जो लॉस है वो गिवन है ड्यू टू स्ट्राइक

डेप्रेशन इज चार्ज ऑन टेन परसेंट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस में दर्ड ये तो आपको छेजाता ही है कोई दिक्कत नहीं है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है वो ओवर वैलिड हो गई इन दिस ईयर में डिस्प्यूट बोनस क्लेम इज वन लैक फिफ्टी थाउजेंड नॉट गेट प्रोवाइडेड इन दाउंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इज सेटल एड रुपीज वन लाइक कंपनी को बोनस डिक्लेयर करना था जो कि क्लेम आया था शेड्यूल की तरफ से डेढ़ लाख रुपये का

कितने रुपए का एडवांटेज हो गया देन एडिशनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया फिफ्टी थाउजेंड का ये कब से हुआ फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो वैल्यू जो है ट्वेंटी परसेंट एबव जो बुक वैल्यू हो जाएगी रेट ऑफ इनकम टैक्स थर्टी परसेंट है फ्रॉम दिस डेट नॉर्मल रेट गिवन आपको टेन परसेंट ऑन एवरेज कैपिटल गुडविल निकालना है आपको एट थ्री ईयस परचेज और सुपर प्रॉफिट देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेज ज़्यादा हैं तो इसको बहुत ध्यान समझिए देखिए स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट को फॉर्मूला क्या होता है एफएमपी एफएमपी माइनस नंबर प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट माइनस नंबर प्रॉफिट आपको दोनों ही गिवन नहीं है आपको दोनों ही गिवन नहीं है राइट तो देखिए पहले हम निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द पास एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं हम

तो इस ईयर का हम कुछ भी नहीं करेंगे इस ईयर का हम कुछ भी नहीं करेंगे राइट सो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको चारों ईयर का हमें निकालना है बिफोर टैक्स तो क्या करेंगे पी एटी डिवाइड बाय टैक्स कितना है फोर्टी uh, परसेंट है तो पी एटी डिवाइड बाई सिक्सटी परसेंट करेंगे तो आपकी वेल ईयर प्रॉफिट आके आप, आप करेंगी अब इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ध्यान से देखिए क्या था टेन परसेंट जो है वो ट्रेड था बाकी बैलेंस जो है वो नॉन ट्रेड था मैंने बताया था आपको देखिए एट्टी से, से लेस करेंगे इसको, वाले को। तो नॉन ट्रेड देखिए कौन कौन से में करेंगे देखिए इस ईयर में कितना माइनस करेंगे छत्तीस सौ रुपए छत्तीस क्यूँ क्यूंकि इसी ईयर में टू थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी को छत्तीस हजार की जो इन्वेस्टमेंट जो है परचेज की थी तो उसका दस परसेंट कितना हुआ जो इनकम मेरी आई होगी इस पर छत्तीस सौ रुपए की वो माइनस कर दी इसके बाद नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी वन में छत्तीस हज़ार की और ले ली तो टोटल कितना हो गया ये सेवेंटी टू थाउजेंड तो इस पर इंटरेस्ट कितना होगा सेवेंटी टू हंड्रेड तो वो मैंने लेस कर दी ये भी आपका लेस हो गया यहाँ से इसके बाद मशीनरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था ट्वेंटी 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 वन में तो वो एडबैक करा क्योंकि वो चार्ज कर दिया था पीने से

2022-23 में कंपनी ने डेढ़ लाख की जो बोनस था उसको एक लाख रुपए में सेटल किया था तो वो रिकॉर्ड नहीं था तो हमने रिकॉर्ड कर कि कंपनी की जेब से तो वो गया ना और बोनस कहाँ से आता है वो प्रॉफिट में से आता है तो वो एक लाख का प्रॉफिट में यहाँ से लैस हो जाएगा तो पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया आपका इस चारों साल का ये आ गया और वेटेड एवरेज के फॉर्मस निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर वेटेड कितना जाएगा इस ईयर का वन टू थ्री फोर सबके वेट्स को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा टेन तो टेन से डिवाइड कर देगा

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया तो पचास हजार रुपये हम लेस करेंगे एडिशनल डेबल बढ़ गया था तो वो प्रॉफिट कम करेगा तो एक लाख रुपये माइनस कर दिया राइट right, तो आपके पास एफ एम पी बिफोर टैक्स कितना आ गया छब्बीस लाख रुपए का और टैक्स रेट कितना एट लाख एट लाख टेन थाउजेंड का वो माइनस कर दिया आपके पास एफ एम पी कितना आ गया सेवनटीन लाख नाइन्टी थाउजेंड राइट यहाँ पर ध्यान से देखिए जो आपने एडिशनल एक लाख रुपये ला, ला, है वो कैश निकाला वो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में देखिए आपके पास वैल्यू कितनी थी प्रॉपर्टी की फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड की राइट और आपकी एडजस्टमेंट कैसे थी देखिए मशीनरी परचेस की थी ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एक लाख रुपये की थी और उस पर डेपरेशन भी इफेक्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू कितनी थी फोर्टी नाइन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड की मशीनरी एक लाख रुपये की परचेस की थी सारे डिप्रेशन जो इफेक्ट होते हैं वो हमने लेस कर दिया इतनी वैल्यू

ऐसा साइड यहाँ पे क्या क्या कर, क्या आपके पास हम पहले क्या करेंगे प्रॉपर्टी प्लान इंप्लॉइड ये हम ऐड करेंगे ये हम नहीं करेंगे लेकिन कौन से कितने लेंगे सिर्फ आठ हजार के बेसिस पे करेंगे ये कंसिडर करेंगे ये नहीं करेंगे ये करेंगे हम ये भी करेंगे बाकी सब कुछ नहीं करेंगे तो बस में एक प्रॉपर्टी कितनी है साठ लाख से साठ लाख रुपये कैसा है वही मैंने जो यहाँ से निकाला था ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लेके चलेंगे सिर्फ बस कितनी वैल्यू

क्योंकि हम निकाल रहे हैं फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का कैपिटल प्राइस हमने कहा था ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग ऐसी ही था हमने तो हम देखेंगे बाईस तेईस में हमने जो भी करंट है हमने जो भी एडजस्ट किया वो सब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो तो टेबल बनाई थी इसमें देखिए ये सब भी तो एडजस्ट हुआ था तो हम क्या करेंगे इसको हम एडजस्ट करेंगे इसको हमने एडजस्ट कर दिया कितनी वैल्यू होगी सिक्सटी टू लाइक फोर्टी वन थाउजेंड टोटल एसेट्स एस एट्स आपकी वन करोड ट्वेंटी टू लाइफ फिफ्टी थाउजेंड डाउन करोड लाइब्रेज सिंपल है आपकी ये दोनों लेस कर दिया आपने इसमें बोनस आने को डाला वो भी लेस करेंगे क्योंकि आपके प्रॉफिट को लेस करेगा आपकी टोटल वैल्यू इतनी आ गई क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉय कितनी आगी सेवेंटी सिक्स लाख सेवेंटी थाउजेंड अब इसमें से आपको निकालना है एवरेज कैपिटल कैसे निकालोगे हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर तो हाफ ऑफ प्रॉफिट एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकाला ये थर्टी लाख देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखिए देखिए करंट ईयर कर का कितना था आपका तीस लाख का था अब तीस लाख में आपका जो है वो ऑलरेडी ये जो आपका था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का था 72 टू वो माइनस था वो हम बैक करेंगे सो थर्टी लाख प्लस सेवन सेवनटी टू हंड्रेड प्लस फोर्टी परसेंट टैक्स आपकी वैल्यू ये आ गई आपकी एवरेज कैपिटल मॉडल कितना आ गया ये बस बाकी सेम है आपको इस पे टेन परसेंट आपकी वैल्यू ये ले लिया आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और ब्लू रिंग थ्री एस पे बीस पे है तो आंसर कितना आ गया थर्टी थ्री लैख थर्टी थाउजेंड सिक्स फोर्टी एट राइट नंबर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर्स और रुपीज़ हंड्रेड ये आपको गिवन है प्रेफरेंसेस गिवन है जनरल रिजर्व गिवन है आपको इसमें यह आपको प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है ट्रेड क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेवन

शो अ मार्केट रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑन एवरेज कैपिटल ब्रेड ये आपको क्या बता रहा है ये आपको बता रहा है एन आर ओ आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी गिवन है आपको देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर द हैव टू बी टैक्सटी थाउजेंड पर है लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये इस ईयर में गिवेन है 2000, uh, 22, 23 का आपको प्रॉफिट गिवन है प्रॉफिट कितना गिवन है हमें प्रॉफिट आपको गिवन था अच्छा अभी हम प्रॉफिट निकालेंगे देखेंगे इसको कैसे करेंगे ऑलराइट right, अभी देखेंगे इसको हम प्रॉफिट को ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए आपको टैक्स रेट कितना गिवन है आपका प्रोविजन ऑफ टैक्स कितना बना है एक लाख बीस हज़ार कितने प्रॉफिट पे इतने पे तो आपका टैक्स रेट कितना होगा पच्चीस का हो राइट यहाँ पर देखिए ट्वेंटी ध्यान uh, से देखिए आपने प्रॉफिट कितना काम किया चार अस्सी का इसमें से अगर आप टैक्स मैनेज कर दो, तो आपने कितना तीन साठ ये कौन सी ईयर का आपका ये ये गिवन है, आपको 2022 -23 का गिवन है है आपको का राइट वो मैंने यहाँ पर लिख दिया अब इसके क्लास लास्ट तो जो स्टेटमेंट कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीरियड एनम यानी कि पिछले तीन साल से जो है हर साल साठ हजार का प्रॉफिट बढ़ रहा था तो अगर मान लीजिए इस साल तीन साठ है तो लास्ट ईयर कितना होगा तीन लाख रुपए का और उससे पहले कितना होगा दो चालीस और ये क्या गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिंपल लॉजिक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस आप निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो हमने निकाल दिया एडजस्ट करके और इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें लेस कर दी बारह बारह हजार की सिंपल देखिए पे क्वेश्चन में गिवन था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको गिवन गई देखिए दो लाख का छः परसेंट कितना हुआ एक लाख बीस हज़ार रुपया सारी बारह हज़ार वो माइस कर दिया सो प्रॉफिट बिफोर जेस्टेड ये आपका गया, आपका आ गया विडिट एवरेज निकालेंगे हम तो आपके पास वेडिट एवरेज कितना आ गया फोर लैख फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन ये आपका आ गया राइट और आफ्टर टैक्स टैक्स रेट माइनस कर दिया तो आपके पास वैल्यू कितना गया कि FMP, आ गया एफ एम पी आफ्टर टैक्स थ्री लैख एलेवन थाउजेंड अब निकालेंगे हम एवरेज कैपिटल एम्प्रॉड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिए ऑन एडिशन टू टू लाख एटी थाउजेंड इज टेन लाख सिक्सटी थाउजेंड इन्वेंट्रीज यहाँ पर देखिए कितनी थी फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पर ध्यान से देखिए इन्वेंट्रीज यहाँ पर कितनी देखिए फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड थी और uh, <coughs> अच्छा ये गिवन था आपका टेकन गिवन वन नाइन्टी परसेंट पे वेली हुआ है ठीक है तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू कितनी आएगी देखिए यहाँ पर इसको क्या करना होगा फोर लैख फिफ़्टी थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा टोटल कितना रहेगा आपकी पाँच लाख रुपये की आप क्या जाएगी एडजस्ट करना होगा ना आपको उसको तो टोटल हो गया पाँच लाख का ट्रेड डेटर आपको सिंपल वे जैसे लेंगे वैसे लेंगे कैश बैंक ये आपका आपका आगे आ गया देन ट्रेड का आपका कितना था दिस वन प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ये माइनस कर दिया ट्रेड कैटर यह हो गया टैक्स ये हो गया सॉरी वो तो सब आप रिपीट हो गई क्लोजिंग कैपिटल अब ये आ गया देन इसमें से हाफ ऑफ प्रोफिट इन्वेस्ट करेंगे दिस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बारह हज़ार और ये देखिए बारह हज़ार में फिर से मैं क्यों मैंने क्यों ऐड कर रहा हूँ ध्यान से देखिए इस बार आपको देखिए यहाँ आप पर कैश बैंक बैलेंस गिवन भी आपको हूँगा तो इसमें ऑलरेडी बारह हज़ार ये भी इंक्लूड होगा ना तो हम यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे तो कितना आ गया एक लाख अस्सी हज़ार टोटल एवरेज कैपिटल इंपोर्ट कितना आ गया पंद्रह लाख दस हज़ार बस अब हम क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कहता आपका एवरेज कैपिटल इंपोर्ट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो इसका पंद्रह परसेंट कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट कितना ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सुपर प्रॉफिट कहता आपका फेयर सॉरी फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपकी वैल्यू आ गई और गुडविल मल्टीप्लाई वेलिवे ये करके आपकी वैल्यू सर ये आ गया टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नॉन लाइट सो क्लास ये आपका टॉपिक था दैट इज हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन द केस ऑफ सुपर प्रॉफिट I hope you have understood very well.